नमस्कार दोस्तों, पाइथन में लूप्स पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के अंत में आप फॉर लूप का इस्तेमाल करने में, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करने में, लूप्स के साथ कार्य करने के लिए ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको सलाह देते हैं कि फॉर के साथ शुरुआत करने पर और कंडीशनल्स पर ट्यूटोरियल को पूरा कर लें। चलिए अपना आईपाइथन इंटरप्रेटर शुरू करते हैं। टर्मिनल में ipython टाइप करें। हम व्हाइल लूप से शुरू करेंगे। व्हाइल लूप का इस्तेमाल पुनरावृत्ति कार्यान्वयन के लिए करते हैं जब तक कंडीशन सही हो। चलिए व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके 10 से कम सभी ऑड संख्याओं के स्क्वायर्स को प्रिंट करते हैं। टाइप करें i इज इक्वल टू 1 व्हाइल i लेस देन 10 कोलन प्रिंट I multiply by I I plus is equal to 2। यह लूप 10 से कम ऑड संख्याओं के स्क्वायर्स को प्रिंट करता है। व्हाइल लूप बार-बार कंडीशन को जांचता है यदि वह सही है, और यदि है तो लूप के अंदर कोड के ब्लॉक को क्रियान्वित करता है। पाइथन में कोई और ब्लॉक की तरह व्हाइल लूप के अंदर का कोड 4 स्पेसेस से दाईं तरफ इंडेंट होता है। यहां वीडियो रोकें, निम्न अभ्यास की कोशिश करें और वीडियो पुनः चलाएं। 10 से कम सभी इवन संख्याओं के स्क्वायर्स को प्रिंट करने के लिए एक व्हाइल लूप लिखें। हल के लिए टर्मिनल पर जाएं, टाइप करें i इज इक्वल टू 2 व्हाइल i लेस देन 10 कोलन प्रिंट i मल्टीप्लाई बाय i प्लस इज इक्वल टू। अब इसी प्रश्न के 10 से कम सभी ऑड संख्याओं के स्क्वायर्स को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, फॉर लूप लिस्ट या कोई अन्य क्रमिक डेटा टाइप के ऊपर पुनरावृत्ति करता है। अतः 10 से कम ऑड संख्याओं की एक सूची पाने के लिए हम रेंज फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके ऊपर दोहराते हैं और वांछित विषय वस्तु प्रिंट करते हैं। टाइप करें फॉर n इन रेंज within bracket 1 comma 10 comma 2 colon print n multiply by n। हम देख सकते हैं कि जैसा आउटपुट हमें पहले मिला था वैसा ही मिला है। ध्यान दें कि कोड की लाइनें कम हैं। यहां वीडियो रोकें, निम्न अभ्यास की कोशिश करें और वीडियो पुनः चलाएं। 10 से कम सभी इवन संख्याओं के स्क्वायर्स को प्रिंट करने के लिए एक फॉर लूप लिखें। टर्मिनल पर जाएं, टाइप करें फॉर n इन रेंज विदिन ब्रैकेट 2 कॉमा 10 कॉमा 2 कोलन प्रिंट n मल्टीप्लाई बाय n। अब देखते हैं कि कीवर्ड्स पास, ब्रेक और कंटिन्यू इस्तेमाल कैसे करें। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, पास केवल एक वाक्य रचना संबंधी पूरक है। यह ब्लॉक्स की पूर्णता के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कोई कोड नहीं होता है। टाइप करें फॉर n इन रेंज विद इन ब्रैकेट 2 कॉमा 10 कॉमा 2 कोलन पास और एंटर दबाएं। ब्रेक सबसे अंदर के लूप को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। 10 से कम सभी ऑड संख्याओं के स्क्वायर्स को प्रिंट करने के लिए व्हाइल लूप को निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। टाइप करें i इज इक्वल टू 1 व्हाइल ट्रू कोलन प्रिंट i मल्टीप्लाई बाय i plus is equal to 2। if
I is less than 10 colon break. तो हमें एक syntax error मिलती है क्योंकि if while loop के अंदर नहीं है. अतः type करें while true colon print I multiply by I plus is equal to 2 if I less than 10 colon break. सुनिश्चित कर लें कि if while loop के अंदर हो. Continue का इस्तेमाल इस पुनरावृत्ति पर बाकी के loop के कार्यान्वयन को छोड़ने के लिए और इस पुनरावृत्ति के अंत पर जारी रहने के लिए करते हैं. तो हम चाहते हैं कि 10 से कम सभी odd संख्याएं जो 3 का गुणक ना हो उसके squares print करें. हम for loop को निम्न प्रकार से बदलते हैं. अतः टर्मिनल में टाइप करें for n in range within bracket 1 comma 10 comma 2 colon if n modulo 3 double is equal to 0 colon continue print n multiply by n. अब यहां वीडियो रोकें, निम्न अभ्यास की कोशिश करें और वीडियो पुनः चलाएं. रेंज 2 कॉमा 10 कॉमा 2 के लिए 10 से कम इवन संख्याएं जो 4 की गुणक हैं उनके स्क्वायर्स को प्रिंट करने के लिए कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके फॉर लूप बदलें. रेंज फंक्शन कॉल को ना बदलें. अब हल के लिए टर्मिनल पर जाएं. टाइप करें फॉर n इन रेंज within bracket 2 comma 10 comma 2 colon if n modulo 4 colon continue print n multiply by n. इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं. इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फॉर और व्हाइल लूप्स का इस्तेमाल करके एक क्रम के ऊपर पुनरावृत्ति करना, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके लूप्स तोड़ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके पुनरावृत्ति छोड़ना, एक लूप में पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना. यहां आपके हल करने के लिए कुछ स्वतः निर्धारण सवाल हैं. पहला, रेंज 1,4 निर्धारित है, केवल संख्या 1 को प्रिंट करने के लिए एक कोड लिखें. दूसरा है, पुनरावृत्ति को छोड़ने के लिए आप कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक, पास, कंटिन्यू. और उत्तर है, पहला, हम फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलन कोलन फॉर आई इन रेंज विद इन ब्रैकेट 1,4 कोलन, फिर प्रिंट आई ब्रेक. और दूसरा, पुनरावृत्ति को छोड़ने के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं. आशा है कि आपने इस ट्यूटोरियल का आनंद उठाया और इसे लाभदायक समझा. मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूं. धन्यवाद.